दाल चावल से बने हैं कुरकुरे पकोड़े, एकदम बेस्ट, खाने में भी टेस्टी। इसके साथ में हमने तली है यहाँ पर हरी मिर्ची और साथ में सॉस है। हेलो फ्रेंड्स, होम मेड मसाला कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले बहुत ही चटपटे से स्नैक्स। यहाँ पर मैंने चावल ले लिए 1 कप, जिसको हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। इसके साथ में यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच पोहा ले लिया है। साथ में ऐड कर देंगे हरी मिर्ची, उसके साथ में ऐड कर दूँगी छोटा सा अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। उसके साथ में ऐड कर देंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़ीरा। बहुत टेस्टी से स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। साथ में मैंने एक उबला हुआ आलू ले लिया है, जिसको हम इसको मैश करके डाल देंगे। उसके साथ में ऐड कर देंगे यहाँ पर काला नमक और साथ में हमारा रेगुलर नमक, उसको हम अच्छे से पीस लेंगे। अभी हमने इसे पानी वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया है, अभी हम इसे इसको डायरेक्ट ही मिक्सी पे लगाएंगे। यहाँ पर हमने इसमें मिक्सी अब यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच जितना पानी यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं 1 चम्मच पानी में हमारा एकदम सा फाइन सा पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। आप इसको कभी भी बना सकते हो, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो, नाश्ते में भी बना सकते हो, शाम की चाय के साथ भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और चावल की कुरकुरी सी नमकीन बनके तैयार होती है, जो खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अब हम इसको एक बाउल में खाली कर लेंगे। हमने इसको बाउल में खाली कर लिया, आप देख सकते हो। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी और साथ में यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची ऐड करूँगी, जिससे कश्मीरी लाल मिर्ची, जिससे इसका कलर बहुत बढ़िया सा आएगा। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो आप लाल मिर्ची का उपयोग ना करें, आप इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अच्छा कलर आने के लिए इसमें ग्रीन मिर्ची, रेड मिर्ची ऐड किए, ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर हमारे बैटर को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें सोडा ऐड कर दूँगी, साथ में यहाँ पर हम कुछ बूंदे पानी की ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म रख दिया है, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सारी हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो ऐड करेंगे, छोटी छोटी साइज़ में बनाएंगे। यहाँ पर हम इसको एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे, आप देख सकते हैं। इसको हमको अच्छे से गोल्डन फ्राई करनी है, ताकि इसका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया सा आ जाए और क्रिस्पी बने, आप देख सकते हैं। बनने के टाइम पे एकदम, जब हम इसका बैटर तैयार करते एकदम सॉफ्ट लगता है, इसीलिए यहाँ पर हमको उसको घबराना नहीं है। तलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है इसको, और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बन के ये रेडी होते हैं। मैं इस तरह फ्राई पैन को हिलाती हूँ, आप मत करिए इस तरह, इससे क्या होता है जो हमारे पकोड़े होते हैं ना वो अच्छे से फ्राई होने लगते हैं। अब हम ये सारे पकोड़ों को पलटेंगे दूसरी साइड। देख सकते हैं आप, एक साइड से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं अच्छे से ये, और दूसरी साइड हमने इसको पलटा दिया, फ्राई हो रही है। बरसातों के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है, और सबसे मेन बात यह है कि घर की चीज़ों से हम इसको आसानी से बना के खा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे, यहाँ पर हमने इसको निकाल लिया है। अब हम दूसरे ऐड करेंगे। हमारे बच्चे भी बैटर के भी हमने सारे इसमें
भजिया निकाल लिए हैं, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे निकालने में। ये जो है हमारे पकौड़े ये बन के रेडी हो चुके हैं। साथ में मैंने यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्ची को ऐड कर दिया था। हमारी जो मिर्ची है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इन सारी चीज़ों को निकाल लेंगे। यहाँ पर बन के रेडी हो चुके हैं हमारे ये पकौड़े। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली।